बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायके में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 1 किलो चावल की परफेक्ट बिरयानी की रेसिपी मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल से बताऊंगा, खुशबू कैसे आएगी, टेस्ट कैसे आएगा, कलर किस तरह से खूबसूरत आएगा, बोटियों में टेस्ट कैसे लाया जाए, रेस्टोरेंट्स वाले क्या जादू जगाते हैं कि उनकी खुशबुएं अलग होती हैं। मतलब कि आज मैं आपको वो बताऊंगा जो शायद आज से पहले आपको कभी ना बताया गया हो। तो रेसिपी को आपने कंप्लीट देखना है, चैलेंज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे अहम बात, आपने एक बड़ा सा बर्तन और ढेर सारा पानी लेना है। जितना ज्यादा पानी होगा, चावल उतने खिले खिले अच्छी तरह से बॉयल होंगे। ढक्कन रख देंगे ताकि पानी कुछ इससे बॉयल आ जाए। सबसे पहली चीज, 2 तेजपात इसमें ऐड कर देंगे, 3 बड़ी इलायची, 4 लौंग और 1.5 इंच जो है दालचीनी का इसमें हम ऐड कर देंगे। इससे चावलों में खुशबू फ्लेवर अच्छा आता है। अगली चीज़ जो इसमें जाएगी ये है नमक, 1 टेबलस्पून भर के इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास है कुकिंग ऑयल, 2 टेबलस्पून जाएगा। अब हमारे पास पुराने बासमती राइस है जिनको मैंने 20 से 25 मिनट पहले अच्छे से धो के भिगो के रखा था, ठीक है। इसको इसमें ऐड कर देंगे, प्याले को अच्छे से साफ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए, इसके आपके रिस्क में बरकत आती है। अच्छा, याद रखिएगा हमेशा चावलों को हाई फ्लेम के ऊपर बॉयल किया जाता है, ठीक है। कम फ्लेम के ऊपर अगर आप बॉयल करेंगे तो ये हलवा सा बन जाएंगे, सही से निखरेंगे नहीं, खिलेंगे नहीं, बड़े नहीं होंगे, ठीक है। एक दफ़ा हल्के हाथ से आपने इसको हिला देना है, ठीक है। तेज चम्मच लेंगे, यहाँ पे चलाते चावल टूट जाते हैं। फिर वही बात, फ्लेम आपने यहाँ पे हाई रखना है, लो फ्लेम के ऊपर कभी भी चावलों को बॉयल नहीं करते। अब इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे और इसको हमने यहाँ पे बॉयल करना है सिर्फ 70-80%, ठीक है, फुली बॉयल हम नहीं करेंगे। तो ये ले जी, माशाल्लाह तकरीबन हमें 6 से 7 मिनट लगे हैं और चावल हमारे जो हैं वो 80% बॉयल हो चुके हैं। ये देखें, हल्की सी आपको इसमें कमी फील होगी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मेन रेसिपी, एक खूबसूरत सा यहाँ पे हम पॉट लेंगे और यहाँ पे 1 कप भर के कुकिंग ऑयल या घी का हम लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास प्याज बड़ी लंबी कलियाँ कटी हुई, ये मैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले रहा हूँ, ठीक हो गया। प्याले को अच्छे से साफ किया करें। अब आपने पहले अच्छी तरह से इस प्याज को यहाँ पे ब्राउन करना है, ठीक है। अगर ये वाइट रह गया तो आपकी बिरयानी में से जो एक शानदार सी खुशबू होती है वो नहीं आएगी, ये एक अहम बात है। देखें, जब ये गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा तब जाके इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसको आपने कम से कम 3 मिनट ज़रूर देने हैं, ठीक है। चाहे फ्लेम को कम कर दें लेकिन लहसुन को इतना टाइम ज़रूर चाहिए होता है। याद रखिएगा, मैंने अभी कोई भी खड़ा मसाला इसमें ऐड नहीं किया, ठीक है, जो स्टार्ट में ही ऐड कर दिया जाता है, क्यों नहीं मैं आगे बताऊँगा। यहाँ पे एक बड़ा सा या 2 मीडियम साइज़ के रेड कलर के टमाटर ऐड करेंगे। जब टमाटरों की नमी इसमें आ जाएगी ऑयल के अंदर, तब इसके अंदर मैं जो खड़े मसाले वो ऐड करूंगा। ऐसा क्यों, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास खड़े मसाले हैं, 3 बड़ी इलायची, 3 बादियान के फूल, 3 छोटी इलायची, 2 इंच दालचीनी है और 5 से 6 लौंग, 1 तेज़पत्ता। अब जब चावलों इनके अंदर ऑयल के अंदर नमी होगी ना टमाटरों की, तो ये मसाले जलेंगे नहीं। स्टार्ट में अगर हम ऑयल में ये मसाले डाल दें ना प्याज के साथ ही, तो ये जल जाते हैं, इनका फ्लेवर टेस्ट खुशबू बढ़ने की बजाय ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये बात आपने जहन में रखनी है। 1 टेबलस्पून भर के इसमें नमक का चले जाएगा, 1 टेबलस्पून भर कर लाल मिर्च का पाउडर चला जाएगा। याद रखिएगा, 1 kg राइस और 1 kg चिकन है हमारे पास, तो उस हिसाब से मसाले हैं। 1/2 टीस्पून इसमें जीरा पाउडर ऐड कर देंगे, 1.5 टेबलस्पून इसमें खुश धनिया पाउडर ऐड करेंगे हम। ये लें जी, ठीक हो गया। अगली चीज़ जो इसके अंदर जाएगी ये है हमारे पास मिक्स गरम मसाला, 1 टीस्पून। याद रखिएगा, मैं हल्दी इसमें ऐड नहीं कर रहा। हल्दी का जो फ्लेवर होता है वो काफ़ी मडी होता है और जो हमारा बिरयानी का एक स्पाइस होता है उसको आई थिंक वो डिस्टर्ब करता है। तो अभी हम इसको मसाले को अच्छे से भुनेंगे, इसकी भुनाई कंप्लीट करेंगे, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 kg चिकन। 1 kg चावल में 1 kg चिकन जो है वो काफ़ी होता है। अच्छे से धो के इसको यूज़ किया करें। अब आपने जो मेन काम करना है वो ये कि इस चिकन की आपने अच्छी भली भुनाई करनी है, कम से कम 10 मिनट, ठीक है। हाई फ्लेम के ऊपर हमेशा भुनाई होती है। आपको लगे मसाला जल रहा है, थोड़ा पानी ऐड कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भुनाई अच्छे से करने के बाद एक प्याली भर के अच्छी तरह से फेंट के आपने दही को इस्तेमाल करना है। फेंटने का ये फ़ायदा होता है कि दही की फुटियाँ सी नहीं बनती, दही फटती नहीं है, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद अच्छे से इसकी मज़ीद पकाई करेंगे। ये जो भुनाई होती है ना, इससे चिकन का फ्लेवर डिवेल्प होता है, इसकी स्मेल दूर होती है, अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे इमली हमारे पास 1 टेबलस्पून, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप मिस
नहीं कर सकते। और उससे भी इम्पोर्टेंट है हमारे पास आलू बुखारा खुश्क 2 से 3 टेबलस्पून। अगर आप कहें कि इसके बगैर बिरयानी बन जाती है आलू बुखारे के, तो मैं नहीं मानता, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये येलो कलर ऐड कर देंगे, फूड कलर, इससे जो है कोरमे का कलर अच्छा हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आपने अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है और उसके बाद आप देखिए माशाल्लाह से हमारा जो कोरमा टाइप चीज़ है वो तैयार हो रही है, ठीक है। लेकिन अभी तक हमारा जो गोश्त है इसकी पकाई नहीं हुई, गलाई नहीं हुई, ठीक हो गया, भुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर 1 कप हम पानी ऐड करेंगे और ढक्कन रख के इसको हम 12 से 13 मिनट तक लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे, जब तक ये गल नहीं जाता, ठीक हो गया। चिकन को हमने गलाना है यहीं पे ऑलमोस्ट। चलें जी, यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 मिनट हमने इसको लो फ्लेम के ऊपर पका लिया है। चिकन यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो चुका है, अगर कोई कसर हो तो वो दम में निकल जाती होती है, ठीक हो गया। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल जिनको हमने अच्छे से बॉयल कर लिया था तकरीबन 80%, उसको इसमें ऐड कर देंगे। याद रखिएगा चावलों के अंदर हमने 1 टेबलस्पून भर के नमक ऐड किया था, ठीक है, और 1 टेबलस्पून हमने कोरमे में ऐड किया था, तो 2 टेबलस्पून काफ़ी होंगे। और ये देखें चिक्के को अच्छे से साफ करें, एक भी चावल ज़ाया नहीं होना चाहिए, इससे आपके रिस्क में बरकत आती है। अब यहाँ पे चावलों को थोड़ा सा हम यहाँ पे प्लेन कर देते हैं, इसके ऊपर हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जिससे क्या होगा कि तड़के में हमें मज़ीद फ्लेवर्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ लेमन ऐड कर देंगे, खूबसूरती के साथ इसके ऊपर सजा के रखेंगे। ये लें जी, ये है हमारे पास टमाटर, तो आदत से मजबूत टमाटर हम ज़रूर लगाएंगे। टमाटरों का आपने ना बीच वाला पार्ट जो है वो निकाल देना, ठीक है, वो लिक्विड जी जो होता है ना वो निकाल देना। और ये है हमारे पास अदरक, ये सभी चीज़ें नरम हो जाएंगी, हार्ड नहीं रहेंगी, ये बात याद रखिएगा। ज़र्रा कलर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करते वरना सारे जो चावल है ना वो कलरफुल हो जाते हैं और वाइट चावल मिलता ही नहीं। अगर वाइट चावल नज़र ना आए बिरयानी में तो लुक इतनी अच्छी नहीं आती, ठीक हो गया। अगली चीज़ हमारे पास है थोड़ा सा हम चाट मसाला, गरम मसाला या बिरयानी मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, हरी मिर्चें इसके ऊपर लगा देंगे। दम हम इसको लगाएंगे तकरीबन 15 मिनट का, ठीक है। दम कैसे लगाते हैं, नीचे तवा रख के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देते हैं, ये होल को हम बंद कर देते हैं ताकि स्टीम ज़ाया ना हो। चलें जी, अब हम इसको दम जो है वो दे चुके हैं तकरीबन 12 से 15 मिनट का। तो एक दफ़ा यहाँ पे हम इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं ताकि जो कोरमा है वो वाइट चावलों के अंदर थोड़ा सा मिक्स हो जाए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जदि उसने हमारे हाथों में हमारे खानों में, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही खुशबूदार बिरयानी तैयार है। अगर आपको लगता है मैंने कुछ भी अच्छा है नया सिखाया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको चाहिए हो कोरमा हारी की रेसिपी चाहिए हो, आपको पुलाव की रेसिपी चाहिए हो, ब्रेकफास्ट की रेसिपी चाहिए हो, ऑमलेट की रेसिपीज चाहिए हो, सब्जियों की रेसिपीज चाहिए हो, शलजम की चाहिए हो, मतलब कि कोई भी रेसिपी अगर आपके माइंड में हो तो मेरे चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह 1000 के करीब रेसिपीज हैं, आपको वो झटपट ही मिल जाएंगी। बस आपने उस रेसिपी के साथ इजाज़ अंसारी लिखना है या खाली इजाज़ लिख लें, आपको वो रेसिपीज बहुत ही आसानी से और फ्री में मिल जाएंगी। दुआओं में याद रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।